Respected parents and dear students, assalamu alaikum. आज हम क्लास फोर्थ के साइंस पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर वन से, और यू वन से हम स्टार्ट करेंगे. इसमें चैप्टर नंबर वन है अवर फुट, और इसमें हमारे पास है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, रोल ऑफ फुट, कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड बैलेंस्ड डाइट. इन इस चैप्टर में हम इन तीनों के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे. चलो लेट्स अस स्टार्ट. रोल ऑफ फूड, फूड का क्या काम होता है, क्या हमारी ज़िंदगी में क्या रोल होता है खाने का. अगर हम खाना नहीं खाएंगे, अगर हमारी ज़िंदगी में खाना नहीं होंगे, तो क्या हो सकता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. चलो बच्चों, how do you feel when you do not eat food for a long time? You feel weak and hungry. You can't do any work because your body didn't get the required amount of energy. This energy comes from the food that we eat. तो इसमें क्या कहता है कि क्या फील होता है अगर आप ज़्यादा देर तक खाना नहीं खाते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है जब पेट में ज़्यादा देर तक हम खाना नहीं खाते हैं, तो क्या महसूस होता है हमारी बॉडी को. हमें लगता है कि हम कमज़ोर हो रहा है, हमें वीकनेस आ रहा है, हमें भूख लग रहा है, ऐसे फील होता है. और आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. और एनर्जी कहाँ से आता है, जो हम खाना खाते हैं वहाँ से आता है. उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, वो हमारी बॉडी में क्या होता है, डाइजेस्ट होके हमें एनर्जी देता है, और हमें एनर्जी मिलता है, तो हम काम कर पाता है और हमें वीकनेस नहीं होता है, हम फ्रेश लगते हैं. नेक्स्ट है, फूड गिव्स अस एनर्जी टू वॉक एंड प्ले. फूड हमें क्या क्या देता है, एनर्जी देते हैं. किस लिए, क्या करने के लिए, काम करने के लिए और खेलने के लिए. फूड आल्सो हेल्प अस टू ग्रो एंड रिपेयर द इंजर्ड टिश्यू ऑफ आवर बॉडी. और फूड हमें किस में हेल्प करता है, एक तो हमें बढ़ने में, ग्रो मीन्स बढ़ने को कहते हैं, और रिपेयर द इंजर्ड टिश्यू, जो हमें ज़ख्म लगता है, जब चोट लगता है हमें, कहीं गिर जाता है, कहीं चाकू से काटता है, तो उस ज़ख्म को भरने के लिए हमें क्या चाहिए, भरने में फूड हमारा हेल्प करता है, वो जल्दी जल्दी इसको ठीक करते हैं उस ज़ख्म को. फूड आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़. बहुत सारे बीमारियां आता है, तो जो भी बैलेंस्ड डाइट, अच्छे से खाना खाता है, उसे कोई बीमारी नहीं लगता है, वो हेल्दी रहता है. बहुत सारे जो डिजीज़ अभी लग रहा है, वो जो भी वीक है, खाना नहीं खाता है, उनको लगता है, क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो फिर वो अटैक कर पाता है. जो खाना खाता है, अच्छे से हेल्दी रहता है, उन्हें कोई भी डिजीज़ नहीं लगता, उनसे भी बचा के रखता है खाना. ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक. तो यहाँ पे पिक्चर्स पे आप लोगों को अच्छे से दिखाया गया है कि कहाँ गिव्स अस एनर्जी टू वॉक. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वॉक, काम करने के लिए हमें एनर्जी देता है. यहाँ पे एक पहले पिक्चर में दिया हुआ है कि ये बच्चा क्या बेलचा लेके काम कर रहा है, तो फिर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से मिलता है, खाने से. और यहाँ पे खाना खा रहे हैं ये. फूड गिव्स अस एनर्जी टू प्ले, यहाँ पे ये बच्चा थर्ड पे खेल रहा है, तो खेलने में भी एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी कहाँ से आता है, खाने से, फिर से खाने से. तो हमें क्या हो, क्या करना चाहिए, खाना अच्छे से टाइम पे खाना चाहिए और हेल्दी खाना चाहिए. फास्ट फूड जैसे कि स्पॉइल्ड फूड, वो सारा नहीं खाना चाहिए. ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स मीन्स क्या होता है, फूड में क्या क्या चीज़ें होता है, क्या क्या इसमें मिला के होता है फूड में. वी ईट राइस
वीट वेजिटेबल्स फ्रूट्स पल्सेस मीट एग्स नट्स ऑयल एंड अदर थिंग्स। हम क्या खाते हैं, चावल भी खाते हैं, वीट मीन्स गेहूँ भी खाते हैं, गेहूँ से क्या बनता है आटा, आटा के हम क्या बनाते हैं रोटी बनाते हैं, और जो रोज़ हम वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, पल्सेस मीन्स दालें खाते हैं, गोश्त खाते हैं, एग्स खाते हैं, अंडे नट्स खाते हैं, और ऑयल्स जो हम सब्जी में डाल के खाते हैं, एंड अदर्स बहुत सारी चीज़ें और खाते हैं। इसमें हमने डिटेल से नहीं दिया हुआ है, जो जो मेन मेन है उनको ही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे हम खाते हैं चीज़ें। ऑल दीज फूड्स फूड आइटम्स कंटेन यूजफुल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इस इन सारे खानों में क्या कंटेन होता है, क्या होता है इसमें, बहुत सारे यूजफुल हमारे बॉडी के फायदे के लिए चीज़ें होता है, उनको क्या कहते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, विच परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। द मेन न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स। जो मेन मेन हमारे बॉडी में खाने में न्यूट्रिएंट्स होता है, एक तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, विटामिन्स होता है एंड मिनरल्स, ये मेन मेन है। फूड आल्सो कंटेन्स रफेज एंड वाटर। रफेज मीन्स क्या होता है, वेस्ट मटेरियल भी निकलता है और वाटर भी होता है फूड में। रफेज मीन्स द फाइबर इन फूड दैट वी कान डाइजेस्ट। रफेज क्या होता है, वो फाइबर जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इट हैज़ नो फूड वैल्यू। इसमें कोई खाने के वैल्यू नहीं होता है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है हमारी बॉडी में, बॉडी के लिए। बट इट हेल्प्स टू मूव आउट द वेस्ट थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये क्या हेल्प करता है, हमारे वेस्ट को डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर निकलने में मदद करता है। फिर भी इसकी हेल्प हुआ हमारे, अगर ये नहीं होता तो फिर जो भी वेस्ट मटेरियल जो खाने से बनते हैं वो मूव नहीं हो पाते। ये रफेज हमें किस में मदद करता है, जो हमारे वेस्ट मटेरियल है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर निकलने में हेल्प करता है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हेल्प आवर बॉडी इन वेरियस वे। बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमें अलग अलग वे में हेल्प करता है हमारी बॉडी को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिफरेंट फूड आइटम्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि यहाँ पे अंडे दिया हुआ है, इसमें प्रोटीन्स होता है, यहाँ पे वेजिटेबल्स बहुत सारे, इसमें विटामिन्स हो रहे हैं, मिनरल्स होते हैं, राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फ्रूट्स में फिर से विटामिन्स मिनरल्स होता है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स होता है हमारे बॉडी को जो चाहिए। तो आप लोगों को समझ में आया ना कि आज हमने किसके बारे में पढ़ा, एक तो खाने के बारे में पढ़ा, इसमें रोल ऑफ फूड के बारे में पढ़ा, और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हमने पहले कहा था कि रोल ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड और बैलेंस्ड डाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने रोल ऑफ फूड के बारे में पढ़ा, हमारी बॉडी को क्या क्या हेल्प करता है, फूड का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में, और कंपोनेंट्स ऑफ फूड और फूड में क्या क्या चीज़ें होता है ये पढ़ा इसके बारे में, और कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, समझ में आया, अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन भेज सकते हो आप, जहाँ पे भी अंडरस्टैंड नहीं होता है वहाँ पे आप मार्क करके फिर से पूछ सकते हो।